हे व्हाट्स अप गाइस, मैं हूं नवनीत और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं यानी कि ओवरव्यू करने वाला हूं लेनोवो Z5S के बारे में। हाँ दोस्तों, लेनोवो का Z5S जो चाइना के अंदर लॉन्च हो चुका है काफ़ी दिनों पहले और इंडिया के अंदर जो है मे भी हो सकता है कि ये फ़ोन लॉन्च हो, क्योंकि अगर देखा जाए कि लेनोवो Z5 और लेनोवो Z Pro यानी कि Z5 Pro जो है ये दोनों ही फ़ोन दोस्तों चाइना में लॉन्च हो चुके हैं, लेकिन अभी हमारे इंडिया में अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन मे भी एक चांस है कि लेनोवो Z5S जो है दोस्तों आप लोगों को इंडिया में देखने को मिले। तो चलिए दोस्तों फटाफट इसका स्पेसिफिकेशन फीचर भी हम जान लेते हैं और जानते हैं कि आखिर कितना इंटरेस्टिंग है ये फ़ोन। शुरू करें अगर दोस्तों इसके हम अगर डिस्प्ले से, तो डिस्प्ले आपको यहाँ पर मिलकर चलता है 6.3 इंचेस की, आपको यहाँ पर डिस्प्ले की साइज मिलकर चलती है। वहीं पर 1080 पिक्सल के डिस्प्ले का रेजोल्यूशन आपको ये फोन मिलता है। IPS LCD स्क्रीन मिल जाती है। वहीं पर इन्फिनिटी वी नॉच आपको यहाँ पर देखने को मिलता है इस फोन के अंदर। वहीं पर अगर हम इसके बैक साइड में बात करके चले, तो आपको बैक साइड के अंदर रियर फिंगरप्रिंट सेंसर जो आपको मिलकर चलता है ऑन द मिडल में। तो वहीं पर अगर हम देख कर चलिए इसके स्टार्ट करते हैं इसके परफॉर्मेंस इसके ऑपरेटिंग सिस्टम से, तो फिर हम इसके बाद जो है वो कंपेयर करेंगे यानी कि जानेंगे कि आखिर ये फ़ोन कितना बेस्ट है और कितना बेस्ट नहीं है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपको बताऊं कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इसके अंदर V9.0 पाई वर्जन आपको इसके अंदर मिलकर चलता है। चिपसेट की बात करें तो स्नैपड्रैगन 710 आपको इसके अंदर मिलता है, जो ऑलमोस्ट ठीक है। बात करते हैं हम इसका अगला प्रोसेसर की, तो ऑक्टाकोर 2.20 GHz की आपको इसके अंदर प्रोसेसिंग की स्पीड मिलती है। तो स्पीड भी दोस्तों काफ़ी बढ़िया है, अगर आप इसके अंदर गेम खेलेंगे तो आपको बिल्कुल भी यानी कि लैग फ्री आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला है। वहीं पर अगर हम बात करें इस फ़ोन के कंपैरिजन में जो प्रोसेसर के साथ आपको जो रैम मिलता है वो मिलता है 204 GB का। वहीं पे बात करेंगे इसके साथ हम इसके स्टोरेज की, तो आपको इसके अंदर 32 GB का आपको इसके अंदर स्टोरेज जो है आपको इसके अंदर इनबिल्ट आपको देखने को मिलने वाला है। वहीं पे आप इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड का स्लॉट जो है आपको इसके अंदर मिल जाता है, ताकि आप इसके अंदर जो है कोई मेमोरी कार्ड एक्स्ट्रा इसके अंदर बिल्ट कर सके। बात करते हैं हम इसके बाद आते हैं कैमरे पर। तो कैमरे के बारे में अगर हम इसमें देखें तो इस फोन के अंदर आपको जो है रियर प्राइमरी यानी कि ट्रिपल कैमरा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। 16, 8 और 5 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा जो ड्यूअल कलर ऑफ LED फ्लैश के साथ ये आपको फोन मिलेगा। बात करके चलिए हम इसके अगर फ्रंट कैमरे की, तो 16 मेगापिक्सल का आपको इसके अंदर जो फ्रंट कैमरा भी है वो भी देखने को आपको मिलने वाला है। तो अगर ओवरऑल अगर मैं देखूँ इस फोन में, तो इसका कैमरे की क्वालिटी जो है यानी कि सेटअप जो है इनका वो काफ़ी बढ़िया है, 16 मेगापिक्सल का कम नहीं होता। वहीं पे अगर हम बात करके चले इसकी बैटरी की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, चाहे आपका फोन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस का क्यों ना हो, चाहे कितने ही अच्छे कैमरे क्यों ना हो, अगर आपके पास उसके अंदर बैटरी नहीं है तो आप ये समझ सकते हो कि बैटरी बैकअप नहीं है तो वो फोन किसी काम का भी नहीं है आपके लिए। तो इसमें जो आपको मिलकर चलता है दोस्तों 3300 mAh की इसके अंदर आपको बैटरी मिलकर चलती है। USB टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, 3.5 mm का ऑडियो जैक मिल जाता है। इसके अंदर बात करें ग्रिल्ड स्पीकर मिल जाती है आपको नीचे इसके अंदर। तो अगर मैं ओवरऑल अगर मैं फ़ोन का अगर परफॉर्मेंस देखूं, यानी कि अगर मैं केवल इसके प्रोसेसर और इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं, तो काफ़ी बढ़िया है, पावरफुल इसका परफॉर्मेंस मिलकर चलेगा, आपको कैमरा काफ़ी अच्छा मिलेगा। लेकिन अब हम जानते हैं कि आखिर इसका प्राइस क्या है। प्राइस जो है फिलहाल जो अभी जब ये चाइना के अंदर जब ये लॉन्च हुआ है अभी, तो इसकी प्राइसिंग जो है वो अभी अभी जो फिलहाल चाइना के अंदर है वो लगभग 20,000 रुपये है। और अगर मैं आपको बात करके चलूं जहां पर अभी हम इंडिया की, तो अभी हमने देखा है M20, अभी हमें देखने को मिला है Redmi Note 7। तो अगर उसके कंपैरिजन में अगर मैं इस लेनोवो को अगर करूं मैं, तो 4 GB का रैम दोस्तों क्या होता है, और 4 GB का रैम चलिए ठीक है, मैं इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा मानता हूं मैं कि इन्होंने ठीक दिया है, लेकिन अगर उसके हिसाब से अगर मैं यहाँ पर बैटरी देखूं, तो यार 3300 mAh की यार कोई बैटरी है, जहां पर अभी 12,000 रुपये में 11,000 रुपये में आपको 5,000 mAh की आपको जहां पर बैटरी मिलकर चलने लग रही है, 4,000 mAh की बैटरी मिलकर चलने लग रही हो, वहां पर 3200 mAh 3300 mAh की बैटरी क्या मायने रखती है। क्योंकि कंपनी को ये चीज सोचनी चाहिए कि आज का चाहे वो यूज चाहे कोई भी हो चाहे सब कुछ हो, परफॉर्मेंस आप थोड़ा मतलब कि अच्छा दे रहे हैं जहां पर, तो आप ये भी कोशिश करें कि वहां पर बैटरी बैकअप जो है थोड़ा सा अच्छा ही मिलकर चले। और इवन आपको दोस्तों कभी भी आप कोई भी फोन जो है कोई भी परचेज करने का अगर आप सोच रहे हैं, कोई भी स्मार्टफोन अगर आप परचेज करते हैं, तो आपको ये सारी चीजें दोस्तों आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये कोई मतलब नहीं बनता कि जहां पर आप 20,000 रुपये में आपको जहां पर 4 GB का रैम मिल रहा है, स्नैपड्रैगन 710 का मिल रहा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 GB के रैम का अगर मैं वेरियंट के बारे में बात करूँ, तो 6 GB का रैंट का जो रैम वेरियंट जो है आपको 14,000-15,000 के Xiaomi के फोन के बजट में आपको देखने को ऑलमोस्ट मिल जाएगा आपको। तो वहीं पे लेनोवो ने अभी फिलहाल चाइना के अंदर तो लॉन्च किया है, तो अभी इंडिया के अंदर तो लॉन्च नहीं हुआ है, तो अभी मे भी हो सकता है कि आपको महीने डेढ़ महीने में 2 महीने में आपको कभी भी देखने को ये मिल सकता है।
आती है, लॉन्च होती है, तो हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि कम से कम 20,000 रुपये की प्राइसिंग तो खैर दोस्तों नहीं होना चाहिए ये। और दोस्तों आप अपनी राय जो है नीचे ज़रूर बताएं, और हमेशा फ़ोन ख़रीदने से पहले उसकी प्राइसिंग, उसका कैमरा, उसका बैटरी बैकअप, एवरीथिंग जो है वो चेक करें। कभी भी किसी एक बंदे को जो है वो ना सुने, ऐसा नहीं होना चाहिए यार कि Redmi Note 7 को अगर तोड़ के दिखा दिया तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि Redmi Note 7 जो है किसी ने, जैसे गुरुजी ने हमें करके दिखा दिया वही कि Redmi Note 7 जो टूट गया तो मतलब इसका मतलब फ़ोन बेकार है। तो यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि Redmi Note 7 तोड़ दिया तो बेकार है और M20 करो ने कुछ खामियां नहीं बताई तो वो बिल्कुल सही है। तो सारी चीज़ों को बड़े ही अच्छी तरीके से है बिल्कुल जान ले, सब बहुत ही अच्छी तरीके से जाने उसके चिपसेट, जो भी चीज़ें हैं, कैमरे वगैरह, बैटरी बैकअप, जो चीज़ें मेन चीज़ें हैं वो देखें। और उसके बाद ही जो है दोस्तों, यानी कि आप वीडियोस देखने के बाद भी जो है आप अपने किसी एक्सपर्ट पे, वेबसाइट पे जाकर के भी आप इसके रैंकिंग चेक कर सकते हैं, इसके रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं, जब जाकर के जो इस फ़ोन को, किसी भी फ़ोन को आप खरीदें। क्योंकि फ़ोन दोस्तों काफ़ी कॉस्टली होती जा रही है, 15,000-20,000 रुपये, 25,000 रुपये दोस्तों कम नहीं होते हैं। और ऐसा नहीं होता कि आप आज जो फ़ोन खरीदेंगे तो आप उसे महीने के बाद आप उसे चेंज कर दें। तो जो भी दोस्तों अपने पैसों को लगाएं, इन्वेस्ट करें, बड़े ही सोच समझ के करें और सब कुछ देख कर करें। अगर आपने दोस्तों अभी तक हमारा पबजी कीबोर्ड वाला अगर वीडियो नहीं देखा है तो दोस्तों ऊपर आई बटन पे जाके क्लिक करके उसे देख ले। और साथ ही साथ में आपको अगर हमने आपने अभी तक हमारा पीसी बिल्ड का भी अगर वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, वो भी जाकर के देख ले। और दोनों का ही लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको सबसे पहला लिंक आपको यहां पर मिल जाएगा। नहीं देखा है तो जाकर देखे जरूर, अगर पसंद आए तो उसका परचेज भी लिंक जो है आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ में अगर आपका कोई सुझाव हो, कोई कमेंट हो, कुछ अगर अच्छी बुरी बातें क्या लगी हो, जो भी हो, एक्स वाई जेड, नीचे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर देना और लाइक ठोक देना यार भाई को, बहुत अच्छा लगता है हमें कि अगर आपका कोई रिस्पॉन्स अगर आएगा तो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों की कोई वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, सी यू, बाय, एंड आई विल कैच यू इन नेक्स्ट वन।